हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की एक नई सीरीज जिसका नाम रखा है सैमसंग ने द सैमसंग एम सीरीज, और देखते हैं कि सैमसंग अपनी एम सीरीज के अंदर कौन से दो नए बजट फोन को मार्केट के अंदर उतारने वाला है। तो फिलहाल अब तक की जो लीक्स है और अब तक की जो लॉन्चिंग है सैमसंग की, उनके अकॉर्डिंग सैमसंग ने एम सीरीज के अंदर दो नए फोन को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है सैमसंग ने M10 और M20। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग M10 के बारे में, देखते हैं कि क्या है इस फोन की फीचर्स और क्या इस फोन की रखी गई है प्राइस, और देखते हैं कि कैसे ये फोन मार्केट के अंदर बजट फोन को टक्कर दे पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस फोन के कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस की, तो हमें ये फ़ोन मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 के साथ, यानी ये फ़ोन फुली अपडेटेड है एंड्रॉयड पाई के अंदर। कलर वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये फ़ोन में बेसिकली ब्लू और ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इस बार सैमसंग के कस्टमर्स को जो सुपर अमोल्ड HD डिस्प्ले है वो इस बार देखने को नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर नॉर्मली 5.6 इंच की एक IPC जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे काम ली गई है। अगर हम इस फ़ोन के प्रोसेसर वगैरह की बात करें तो वैसे तो ये बजट फ़ोन है, इसकी प्राइस मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि एक मिड रेंज का एक बजट फ़ोन है, लेकिन अगर हम फिर भी इसके प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है इसके प्रोसेसर को लेकर और इसकी रैम को लेकर। 1.6 GHz ऑक्टाकोर का आपको प्रोसेसर मिलता है यहाँ पे, Exynos 7 ऑक्टाकोर 7890 के साथ, और रैम आपको यहाँ देखने को मिलती है 3 GB की। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा आपको यहाँ पे 13 MP के साथ मिलता है और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 5 MP का, और फ्रंट में जो 5 MP कैमरा है उसके साथ आपको यहाँ पे LED फ्लैश की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। अगर हम इस फोन के स्टोरेज की बात करें तो 3 GB रैम के साथ में यहाँ इसकी जो स्टोरेज है वो सैमसंग ने इस बार काफ़ी कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक सा वेरियंट बनाया है 16 GB का, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। वही अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जो की रहती है नॉन रिमूवेबल बैटरी। ये था कंप्लीट पैकेज सैमसंग M10 का, देखी जाए तो पूरा दिन मेरे अकॉर्डिंग आराम से बजट निकाल लेते हैं। अगर बात की जाए तो काफी बेटर फोन है ये, 7990 और 8990 की प्राइस रेंज के अंदर जो मार्केट के अंदर अभी जो फोन चल रहे हैं जैसे कि रियलमी का, रेडमी का, वीवो का, ओप्पो का, तो इनके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक कह सकते हैं कि बजट के अंदर एक टक्कर का फोन होने वाला है मार्केट के अंदर। मेरे हिसाब से वीवो, ओप्पो और रेडमी को मार्केट के अंदर काफ़ी लॉस होने वाला है इस सैमसंग के M10 के कारण। आपकी क्या राय है इस M10 के बारे में, क्या ये मार्केट में भी जगह बना पाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जो व्यूवर्स हमारे चैनल के अंदर नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट जरूरी है क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस डेली लेकर आता रहता हूँ।